सर आप लोग सर सर वीडियो ऑन कीजिए, फोन कीजिए। कर रहा है कि एमपी होगा क्या? गाड़ी पे चक्का करना है, गाड़ी आदमी साइड से बात करते हो। नौकरी तो है, गाड़ी चेक करिए। गाड़ी चेक कर तनु से बात कर, तुझे नहीं पता कौन है, अब मुझे बता दे उसके बाद भी। फोन लेकिन तमीज से बात करना भी गलती हो गई, गलती हो गई। अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फिर से एक बार बदतमीजी की गई है, और साथ ही साथ दोस्तों वही पुराने अंदाज में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको डांट दिया है। दोस्तों इस वीडियो में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फिर से एक बार बदतमीजी की जाती है, और दूसरी ओर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने एक हेलीकॉप्टर किराए से लिया था, और उस हेलीकॉप्टर को भी पेमेंट करने के बाद भी उसे परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों मामला क्या है आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना के सांसद भी है, इनके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे हमले हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो कि उनको जान से मार देने की कोशिश तक की जा चुकी है। दोस्तों इतने में ये मामला सामने निकल के आता है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला जाता है, वहाँ पे कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी गाड़ी रोकी जाती है और उनके द्वारा बदतमीजी की जाती है। दोस्तों पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। वो अपने चुनाव प्रचार के लिए झारखंड प्रदेश में जा रहे थे, उन्होंने अपने जेब से और जनता के पैसे से जो कि है हेलीकॉप्टर बुक किया था, तो बुक करने के बाद जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ान की परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि जो गरीबों की वंचितों की आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रुकाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है। फिर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद अपने काफिले के साथ बाय रोड कार से निकलते हैं, तो कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी कार रोक दी जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो कि है अभी एक चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के प्रचार के लिए वो झारखंड जा रहे थे, तो उतने में कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी जो कि है गाड़ी रोकी जाती है, और कहा जाता है कि चेकिंग करनी है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद बोलते कि आपके पास चेकिंग का कुछ है दिखाओ, फिर भी वो अधिकारी बदतमीजी करते हुए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद को जाने नहीं देते, रोकते हैं, कहते हैं कि हमें चेकिंग करने का ऑर्डर है, तो चेकिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको साइड में वीडियो दिखा पा रहा हूँ, और ये जो वीडियो है आपको संपूर्ण भी दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों फिर क्या हुआ कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद वही पुराने अंदाज से गाड़ी के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि आपको किसने बोला चेकिंग करने के लिए ये बताइए, क्योंकि दोस्तों एक सांसद की गाड़ी रोकना कोई मामूली बात नहीं है, इस पे ऊपर से कई सारा प्रेशर हो सकता है। अभी आप सभी को कुछ बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, पर दोस्तों जो इंसान वंचित बहुजनों और गरीबों की बात उठाता है उनको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश हर दम की जाती है, वैसी कई सारे जगह में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुके हैं, और हम अपने सोशल मीडिया में ऐसी कई सारे खबरें देखते भी है। तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद वही पुराने अंदाज में निकलते हैं कि कहते हैं उन अधिकारियों को आपको किसने ऑर्डर दिया और किसने बोला कि चेकिंग करने को, वो उठते हैं अधिकारियों को कहते हैं कि लो चेकिंग करो, आप पहचानते कि आपने किसको रोके, क्योंकि एक संसद की गाड़ी रोकना मींस बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों इतने बड़े इंसान को अगर कोई इंसान रोक रहा है, विधायक की बात अलग होती है, डायरेक्ट संसद तक हाँक पूछना यानी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उतरते हैं, फिर बाद में जो की है वही अधिकारी की हेकड़ी निकल जाती है, वही अधिकारी लोग माननीय चंद्रशेखर आज़ाद को सर 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 करके संबोधित करने लगते हैं कि सर गलती होगी, हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें भी एक षड्यंत्र हमें देखने को मिलता है, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ये झारखंड के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान उनके हेलीकॉप्टर को तो भी उन्होंने परमिशन नहीं दी,
वो क्यों नहीं दी? दोस्तों आप सभी को पता है कि ये गरीबों का पैसा है और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जेब से जो कि हेलीकॉप्टर का जो किराया होता है वो देने के बावजूद उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं दी गई। फिर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद अपने कार से जाते हैं और उस प्रचार में जाते हुए भी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इस तरीके की बदतमीजी होती है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहने के तो ऐसी काफ़ी सारे बात है पर धीरे धीरे अपन हर एक वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से मनुवादियों को उनकी हिकड़ाई निकालते हैं। चलिए लेकिन इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं।